इधर पे भी एक्सीडेंट हो गया था, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था अभी। हाँ, मैं देखा वो कार वाले ने ठोका था ना। नहीं नहीं, उसको एम्बुलेंस आके उठा के लेके गई भाई। वो बंदे को ज्यादा लग गया सर्वर पे। हेलमेट पहनना चाहिए भाई, लोग हेलमेट नहीं पहनते। तो गाइस अभी यहाँ पे एक हाईवे पे आते टाइम मैंने देखा कि एक बाइक वाला का एक्सीडेंट हो गया था एंड वो गिर गया था। कोई रिक्शा वाले ने आई थिंक उसको ठोक दिया कि उसने ठोका पता नहीं, बट मेरा कैमरा बंद था तो मैं दिखा नहीं पाया उसमें। अभी देख रहा हूँ मैं वापस फटाक से घुमाता हूँ इधर से गाड़ी कि है क्या वो, क्योंकि बहुत खतरनाक गिर गया था यार। उसका पूरा हाथ भी छिल गया था उसका। एक तो यहाँ पर टर्निंग इतना दूर है ना। एंड गाइस थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो को आप सपोर्ट करने के लिए। एंड हमारा एक चैलेंजिंग वीडियो आ गया जिसमें स्नेहा के साथ हूँ मैं। वो हमारा फर्स्ट राइड ब्लॉग एक बार देख लेना ज़रूर जाके। 5000 लाइक का उसका टारगेट है, क्योंकि 5000 लाइक अगर कंप्लीट हो जाएगा हमारा तो उसकी मम्मी परमिशन दे देगी हम लोग को लॉन्ग राइड जाने के लिए। लाइक हम लोग लोनावाला जाने का प्लान कर रहे थे। सो एक बार प्लीज़ ज़रूर वो देख लेना और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। यहीं पे देखो, यहाँ सामने हाईवे ना, यहीं पे उसका सीन हुआ था। अरे यार आने तक लगता निकल गया क्या है कि क्या गया लगता गाइस, चले गया गाइस। चलो कोई बात नहीं, दिल से बुरा लगता है यार। जाते हैं घर पे अभी और क्या। सो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मैं जॉब भी करता हूँ एयरटेल में। सो कुछ जो जॉब के लिए, जॉब के वजह से मैं निकला था एंड अभी वही जा रहा हूँ घर पे। सो सोचा था कि मेरे को आज कुछ दिखाने जैसा मिल जाएगा, बट कोई बात नहीं, चले गया वो बंदा। ये क्या क्या हुआ भाई? अरे भाई सुनोगे थोड़ा, मेरे को आगे तक छोड़ दोगे? क्यों भाई क्या होगा? मेरी गाड़ी का वायरिंग का प्रॉब्लम हो गया बारिश की वजह से और मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। प्रॉब्लम हो गया मतलब? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब वो बैटरी का कुछ सर्किट वर्किट कुछ उड़ गया होगा, मतलब कभी स्टार्ट हो रही कभी नहीं हो रही है, सुबह से यही प्रॉब्लम हो रहा है। अरे तो खाना वाना खाने भी घर जाना था और आज का काम भी हो रहा था, पर एक ऑर्डर कैंसिल हो गया सुबह से मेरा, दो ऑर्डर कर नहीं सकता। अच्छा अच्छा, कहाँ पे जाना, कहाँ पे आपको? बस आगे आगे जाना, मैं बता दूंगा रास्ता। आप इसी साइड जा रहे हो ना? हाँ ये साइड ही जा रहा था, लेकिन मैं वो मेरा मलाड साइड में जा रहा हूँ अंदर से। नहीं नहीं, मेरे को बस 1 किलोमीटर दूरी है, आप मुझे बस छोड़ दो वहाँ से, मैं किसी अपने फ्रेंड या मैकेनिक को मिल के आ जाऊँगा। अच्छा आपको देखो, आप चाय भी कर सकते हैं। नहीं नहीं ठीक है, चलो बैठो अभी क्या। नहीं नहीं अभी देख लो क्या, अभी बंद है क्या गाड़ी? रुक जाओ देख लेते भाई, धक्का मारने पर भी नहीं हो रही क्या चालू? किक मार के ट्राई करो ना। एक दो बाइकर थे, हाँ उनकी मदद लिया पर कोई हो रहा ही नहीं है, चालू ही नहीं हो रही। ए भाई बारिश का यही मसला रहता है। चलो कोई बात नहीं, चलो आ जाओ बैठ जाओ। तो छोड़ दो थोड़ा। हाँ चलो चलो, गाड़ी लगा दो इधर ही। मैं भी अभी ऑफिस में से गया था, अभी ऑफिस से जस्ट घर पे आ रहा था। इधर पे भी एक्सीडेंट हो गया था, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था अभी। हाँ, मैं देखा वो कार वाले ने ठोका था ना, बाइक वाले। हाँ कार वाला था कि बाइक वाला, भाई रिक्शा वाला था पता नहीं चला। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। आप भाई कैमरा में लगा के घूम रहे हो, आप क्या रिकॉर्ड रिकॉर्ड करते हो क्या सब? हाँ भाई वो मेरा यूट्यूब पे चैनल है ना, तो अभी वो देखा बंदे का किसी का एक्सीडेंट हो गया था तो सोचा कि दिखा देता कुछ व्यूअर लोग को मेरे। आप इसी साइड रहते हो? हाँ इधर ही रहता, लोखंड वाला साइड में रहता हूँ। तो अभी हाईवे पे से आया था, मेरा ऑफिस का जरा काम था, एक चेक पिकअप करने का था मेरे को, तो वही चेक लेके अभी जस्ट घर पे जा रहा था मैं। मेरे को भी आज काफ़ी टाइम हो गया ना, बहुत लेट हो गया घर पे जाने के लिए, सभी वही फटाफट निकल रहा था। इससे पहले मैंने स्विगी वाले से लिफ्ट मांगा। हाँ बोलता उसको ऑर्डर करके, वो मदद नहीं किया भाई, तुम आगे अच्छा हो गया। अच्छा वो जो मेरे आगे चल रहा था बंदा। हाँ मैं दो
भोजन से पूछा। अरे रे रे कोई ना, चलो। तुम इधर ही रहते हो क्या भाई? नहीं भाई, मैं आगे रहता हूँ, थोड़ा अंदर रहता हूँ। अभी क्या, मेरे को घर पे जाना था ना, तो ये शॉर्टकट था रास्ता इधर अंदर से। अच्छा, बैग लिया ना तुमने? छोटा सा ऑर्डर है भाई, कुछ डिलीवरी का। मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता, वरना मेरे पेमेंट का पूरा इश्यू हो जाएगा। अच्छा हाँ, तुमने पहला ऑर्डर कैंसिल हो चुका है आपका। नहीं भाई, ऐसे टाइम पे ना गाड़ी का थोड़ा ख्याल रखने का। लास्ट टाइम मेरा भी ऐसी सीन हुआ था, मेरे गाड़ी के अंदर वायरिंग का। परसों 2-3 दिन से जब बारिश हो रही ना बहुत सारी। हाँ, मैं 2-3 LED एक्स्ट्रा लगाया हूँ, उसमें वायरिंग में चेंज किया था। अच्छा, उसकी वजह से लगता है कुछ हो रहा होगा। हाँ, तो शायद बैटरी डाउन हुआ रहेगा या कुछ सर्किट का हुआ रहेगा सीन आपका। रास्ता बताना भाई, मेरे को मालूम नहीं है रास्ता इधर का। अरे अरे भाई, बहुत शुक्रिया भाई। मेरे अभी मेरे कुछ 8000 होने आए, अभी देखते मेरे बर्थडे तक। तो मैंने टारगेट किया हो कि शायद मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, 10000 तक हो जाए। शुक्रिया शुक्रिया भाई, कोई ना भाई, ऊपर वाला देखता है भाई। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी कोई मदद करेगा। मैं भी ऐसा अटक चुका हूँ ना भाई एक टाइम, तो अभी भाई जितना हो सकता है हम लोग से मैं हेल्प कर लेता हूँ। अच्छा ना? नहीं भाई, सही है, सही बोले आपने भाई। बाकी सब भाई काम क्या करने को? एयरटेल में जॉब करता भाई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी वैसे भी मैं घर पे जा रहा था, लंच करने जा रहा था। अरे हाँ भाई, वो ऑफिस चले गया था ना मैं, तो एक जन का चेक पिकअप करना था, कुछ इशू हो गया था उनका पेमेंट का, तो वही चेक क्लियरेंस के लिए एंड पिकअप के लिए गया था मैं। सो अभी आते टाइम देखा मैंने कि एक्सीडेंट हुआ, तो कैमरा बंद था, तभी चालू करके जस्ट घर पे ही जा रहा था। इतने में फिर तो आप दिख गया मेरे को। एम्बुलेंस आके उठा के लेके गई भाई, वो बंदे को ज़्यादा लग गया सर भर पे। हेलमेट पहनना चाहिए भाई, लोग हेलमेट नहीं पहनते, रैश ड्राइविंग करते ना। हाँ, बाइकर की गलती थी और कार वाले की भी, वो दोनों एक ने सिग्नल नहीं दिया। राइट भाई, आगे लेफ्ट हैंड पे एक आएगी बिल्डिंग। हाँ हाँ, छोड़ देना। ठीक है भाई। भाई हो जाता है तुम्हारा जोमेटो वगैरह से कोई? भाई घर चल जा रहा है अभी, देखा जाए तो मैं ग्रेजुएट हूँ भाई, काम नहीं मिल रहा, कोई कहीं से जॉब नहीं मिल रही, इसलिए किसी तरह ये काम करके भी घर पाल ले रहा हूँ भाई। अरे रे, होता है भाई, बहुत बहुत गंदा सीन चल रहा है भाई अभी। अरे कोविड ने सबको आगे पीछे कर दिया भाई, एक तो बारिश भी आ गई यार। हाँ भाई, बस लेफ्ट ले लो, ये लेफ्ट में। हाँ भाई, आप छोड़ के चले जाओ भाई, फिर मैं आगे देख लेता हूँ कैसा करना रहेगा। नहीं चलो ना, छोड़ देता हूँ अभी, कहाँ तुम इतना चल के जाओगे क्या? वापस आओ भाई। अरे क्या हो गया भाई, इतना तो कर ही सकता हूँ यार। राइट ले लो। ओके, कहाँ पे आगे की वाली बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग? मेरा भी लास्ट टाइम जब ऐसा गाड़ी बंद हो गया था ना भाई, तो मेरा तो इतना तकलीफ हो गया था ना, गाड़ी छोड़ के चले गया था मैं घर पे। बस भाई यही है क्या? अच्छा अच्छा, आप रुके हो क्या भाई पास में? हाँ भाई दे दो, सिक्योरिटी को ही देना पड़ता है ना अभी तो। हाँ, ठीक है, ठीक है, देख के आ जाओ, मैं घुमा लेता गाड़ी। A few moments later. होता है भाई, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हो चुका है। हाँ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? भाई प्रिंस नाम है मेरा। आपका नाम क्या है भाई? भाई रहीम। रहीम नाम है। हाँ भाई। चलो भाई, मिल के अच्छा लगा। रील्स भाई, रील्स बना भाई, तो जहाँ देखो वो रील्स बनाते भाई। अरे क्या बता भाई, लोकंड वाला फेमस हो गया इस चीज के लिए, पब्लिक रील्स बनाती है। हाँ हाँ भाई, वही वाला। 15-20 लोग बना रहे थे उधर भाई, इधर से राइट लेफ्ट राइट राइट में गाड़ी के
छोड़ दोगे ना भाई, मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरे को लेट हो रहा था भाई। भाई तुम खाना इधर बाहर ही खा लेते हो कि घर पे जाते हो? कभी कभी भाई, मतलब अगर घर के नजदीक हुआ तो घर पे, नहीं तो भाई खाया नहीं खाया भाई। अरे रे नहीं भाई, ऐसा नहीं करने का, खाना खा लेने का, खाने से दुश्मनी नहीं करने का। अरे शुक्रिया भाई, क्या करें, अभी हम लोग का जॉब ही ऐसा है ना, एयरटेल में काम करते तो अच्छे से बात करना पड़ता है। हाँ भाई एयरटेल में हो, किस पोस्ट पे हो? रिलेशनशिप मैनेजर हूँ एयरटेल में। बढ़िया भाई बढ़िया, अल्लाह तुमको और तरक्की दे भाई। तुमको भी भाई, तुम्हारा यूट्यूब भी चल रहा है भाई, ये भी चल रहा है, बढ़ते रहो भाई, भाई इंशाल्लाह हो जाए भाई। हाँ घुमा लेता ना भाई, क्योंकि मैं तुम भी भीग जाओगे। बारिश हो रही है यार, कैमरा माइक वगैरह सब। हाँ भाई, ये सेटअप भी महंगा होगा ना भाई तुम्हारा। हाँ भाई अभी क्या करें, हमारी भी गरीबी चल रही है, थोड़ा चैनल चल रहा नहीं इतना। अरे माइक को पता है तुमको, मैं एडेप्टर नहीं ले पा रहा मेरे गोप्रो के लिए, मोबाइल में यूज़ करना पड़ता है मेरे को। अरे भाई, हो जाएगा। कोई ना, बट अपने लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बहुत जेन्युइन है भाई, बहुत अच्छे है, सब लाइक सब्सक्राइब करते हैं बराबर। हाँ चलो भाई, फोन कर लेना किसी को, बुला लो। तुम मदद की है। चलो भाई, तुम बड़े अच्छे आदमी होगा। चलो भाई मिलते फिर, शुक्रिया। चलो थैंक यू। हाँ हाँ भाई। सो गाइस, बारिश कुछ लगता है ज़्यादा ही आ गई अभी, कैमरे में आई थिंक आपको ब्लर वगैरह पूरा दिखेगा। कोई ना, अब मेरे घर पे जाके मेरी हालत मेरी मम्मी बिगाड़ेगी। मम्मी बोली थी रेनकोट लेके जाने के लिए, बट मैं लेके ही नहीं गया, अब तो पूरा भीगने आया मैं। बट क्या करें भाई, थोड़ी सी हेल्प करने से अगर किसी का घर बच सकता है तो भाई कर लेना चाहिए, नहीं तो अभी बेचारे का पैसा मिलता नहीं था। वो बोल रहा था जिस हिसाब से कि उनका इंसेंटिव वगैरह जो बनता है, और प्लस उसने ऑलरेडी एक ऑर्डर कैंसिल कर चुका था। सो कोई बात नहीं, मम्मी को बता दूंगा, और क्या कि हेल्प करते टाइम थोड़ा हो गया तो मम्मी देखेगी तो थोड़ा चिल्लाएगी नहीं। बट तो चलो आज के लिए इतना ही वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छा सा लेके आऊँगा। एंड गाइस प्लीज़, वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। 1 तारीख को मेरा बर्थडे है 1 अगस्त को, सो मेरे को हेल्प करो 10,000 मेरा सब्सक्राइबर करने के लिए। सो बाय, लव यू ऑल।